नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम तूफानों से क्या डरना, यह एक सुंदर कविता का अध्ययन करने वाले हैं। कवयित्री शिखाजी शर्मा, इन्होंने ही सुंदर कविता लिखी है। इसमें ऐसे लिखा है कि तूफान तो आते ही रहते, तूफानों से क्या डरना। मतलब कवयित्री ने तूफानों को सामान्य रूप दिया है। जीवन में जो संकट है, जो समस्या है, वो तो आम बात है, ऐसा कवयित्री कहना चाहती है। तो इस कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जानना आज आवश्यक है? तो ऐसी एक पहली बात है, तो वो क्या बात है कि नफरत। नफरत का रास्ता छोड़, हमें प्यार का रास्ता अपनाना है। कवित्री कहती है कि नफरत से हिंसा बढ़ती है, और गुस्सेल आदमी जब नफरत करता है तो उसकी हिंसा बहुत होती है, तो हिंसा उसे कभी सुख दे सकती नहीं। तो हिंसा का रास्ता, नफरत का रास्ता छोड़ के हमें प्यार का रास्ता अपनाना है, ऐसा कवित्री कहती है। दूसरी बात यह है कि हिम्मत। मतलब क्या कि हिम्मत से हमें काम लेना है। जीवन में सुख है, दुख है, हार है, जीत है, सफलता है, विफलता है, जीवन में धूप भी है, जीवन में छाव छाव भी है। यही जीवन की कला है, और हमें ये कला जीते वक्त हमें क्या करना है, हिम्मत से काम लेना है। जीवन में कभी निराशा हो, घोर अंधेरा हो, तो हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है। तूफानों से क्या डरना, तूफान तो आते ही रहते, लेकिन क्या है उसमें हमें हिम्मत दिखाना है। तो हिम्मत दिखा के ही हमें तूफानों से लड़ना आ सकता है, ऐसा कवित्री कहते हैं। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि अंधेरा। अंधेरे का अंत कैसे होगा? हमारे जीवन में निराशा है, समस्या है, हमारे सबके कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, वो कब खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे में कवित्री कहते हैं कि अंधेरा है, दिख रहा है अंधेरा है, लेकिन अंधेरे का भी अंत है, अंधेरा एक दिन होने वाला है। कवित्री कहते हैं कि अंधेरे को अंधेरा नहीं तो सिर्फ उजाला मिटा सकता है, नफरत को नफरत नहीं तो सिर्फ प्यार मिटा सकता है। इसलिए अंधेरे का अंत होने वाला है, और उजाला ही अंधेरे का अंत करेगा। एक दिन सवेरा हो जाएगा, और सवेरा होते ही अंधेरे का अंत होने वाला है, ऐसा कवित्री आशा करती है। कवित्री कहते हैं कि सुख दुख जैसे है वैसे ही जीवन मृत्यु देखिए जीवन में है, तो एक दिन हम सबको जाना है, ऐसी कवित्री देती है हमें। तो कवित्री ऐसे कहती है कि एक दिन तो जाना ही हमें ये सब छोड़कर, लेकिन क्यों अभी हम अहंकार करते हैं उस चीज़ों का। इस बारे में एक सुंदर सी कविता है, गाना है जो बहुत फेमस है। वो गाना ऐसा है कि जागरूक रहना रे नगर में चोर आवेगा, धन दौलत यही रह जाएगा, वो सिर्फ तुम्हें उठा के ले जाएगा। मतलब धन दौलत जो है वो यही रह जाएंगे, वो सिर्फ तुम्हें उठा के ले जाएगा। मतलब वो तुम्हें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा वो ले जाएगा। इसलिए कवित्री कहती है कि एक दिन हमें जाना है, वो जाते जाते वक्त हमें अच्छा कर जाना है। तो कवित्री की ऐसी की, और कवित्री आगे के कहती है कि अब ये तूफानों से लड़ना है हमें। तूफान तो आम बात है, तूफान तो आते ही रहते हैं, तूफानों से क्या डरना। आगे हमें कवित्री कहती है कि तूफानों से कैसे से लड़ेंगे। कवित्री कहते हैं कि तूफानों से लड़ते वक्त हमें हिम्मत का सहारा लेना है। हिम्मत का सहारा लेके, नफरत को त्याग के, नफरत को छोड़ के हमें प्यार का रास्ता अपनाना है। अगर हम प्यार का रास्ता अपनाएं, नफरत को छोड़ दें, हमारे जो अहंकार है उसको छोड़ दें, तो हम हिम्मत से हम इस संकट का, इस तूफानों का मुकाबला कर सकते हैं, ऐसी आशा कवयित्री शिखाजी शर्मा हमें दिखाती है।